कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं। नामांकन क्या है, बात करते हैं कि किस तरह से मुद्दे होंगे। सबसे पहले न्यूज वाणी धन्यवाद भैया, क्या कहेंगे, किस तरह के मुद्दे हैं? जी सर जी नमस्कार। भैया देखिए, मेरा नशे के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, व्यापारी हित के में हम काम करेंगे और हरिद्वार माँ गंगा की जो मर्यादा है उसका पालन करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये मेरे प्रमुख मुद्दे। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता टूट कर बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या बीजेपी कांग्रेस के नेता को दांव खेल इस बार? उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो सोच रहे चलो इनसे नैया कहीं पार हो जाए। क्या उनकी नैया पार होगी? नहीं होगी। 4 बार से विधायक हैं, 5वीं बार भाई चल रहा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, इस बार आपको सारा मालूम है हरिद्वार की क्या दुर्दशा उन्होंने की है। कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है और हमारे जो मुद्दे हैं, खास करके कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, मेरे जो मुद्दे हैं, हमारे नेताओं के जो मुद्दे हैं, नौजवानों को रोजगार देना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, माँ गंगा की मर्यादा का पालन करवाना जो एक तीर्थ नगरी का पूरे विश्व में है, और स्वास्थ्य और शिक्षा, नशे से मुक्त हरिद्वार हो, ये मेरा मानना है। जिस तरीके से आपने नगर निगम में कांग्रेस का झंडा यहाँ पे फहराया जी, क्या इस बार विधानसभा में फहराएंगे? इस तरीके से नगर निगम में आपने झंडा फहराया कांग्रेस का। महाराज जी, जिस तरह से कांग्रेस ने नगर निगम में यहाँ पे परचम फहराया, क्या इस बार विधानसभा में? बिल्कुल, मेयर साहब आपके सामने हैं और अच्छे काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए नगर निगम की 150 बीघा ज़मीन आपने बिल्कुल मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए फ्री में दी है सरकार को, और मैं इस अवसर पे आपका और आपके बोर्ड का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी। रुक जा। कि इस बार कांग्रेस जो है हरिद्वार में विजयी हो। सहयोगी चौहान के साथ मैं मोहम्मद अजीम न्यूज वाणी।